हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको ये फ्लावर बनाना बताऊंगी। ये देखिए हमारा फ्लावर, ये मैंने दो बना रखे हैं, अभी ये तीसरा बनाकर आपको दिखाऊंगी। और जिसके लिए मुझे ये रंग बिरंगे कलर के आपके ऊन चाहिए, आपके पास जो भी अच्छे कलर है। और पत्ती के लिए मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप फूल से तो शुरुआत में चेन से करूँगी, तो मैंने 20 चेन डाल दिए हैं। मुझे कम से कम 60 चेन लेनी है। अगर आपको इससे घना बनाना है तो आप 70 ले सकती हैं, मैं 60 लेकर दिखा रही हूँ। हमारा 20 हो गया, 60 चैन हो गया मेरा। और मैं इसी में आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी। तो पहला रो, देखिए, 4 चैन छोड़ के, 1 2 3 4 छोड़ के पांचवे चैन में डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए। और फिर से एक चैन लेके, फिर एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में फिर से डबल क्रोशिया। और ये लाइन हमारा पूरा एक चेन लेना है और एक चेन छोड़ के इस तरह से हमारा, देखिए, फिर एक चेन छोड़ के मैं दूसरे चेन में डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक चेन लेना है, फिर एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में, इस तरह करके मुझे ये पूरा लाइन बना लेना है। ये देखिए हमारा पहला रो खत्म हो गया, ये इस तरह बनेगा। अब मैं दूसरा रो के लिए 3 चेन डालूंगी। 3 चेन डालने के बाद इसे पलट दूंगी, पलट के ये देखने वाला है। देखिए, ये पलटने के बाद 3 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 चेन लेके, ये देखिए 3 बार मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद अगेन 3 चेन लेना है और उसमें सिंगल क्रोशिया ऐसे करके हाफ सिंगल क्रोशिया ऐसे निकाल देना है। इस तरह हमारा ये पूरा रो जाएगा। फिर से 3 चेन लेके 3 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और इसमें हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर से 3 चेन बगल वाले में फिर से डालना है 3 बार डबल क्रोशिया, 2 3, फिर से 3 चेन ले लेना है, 1 2 3, और इस तरह हमें पूरा यहां तक इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, ये मैंने पूरी लाइन यहां तक बना दिया। अब मैं इसको ऐसे करके गांठ निकाल दूंगी। अब ये किस तरह से फ्लावर बनेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये इसको मैं इस तरह से ये देखिए, और इस तरह हम इसको पूरा राउंड कर लेंगे जितना हमने बनाया है। ये देखिए, इस तरह अब मैं पीछे से इसको सिलाई कर दूंगी ताकि ये हमारा खुले नहीं। उसके बाद सेंटर में, इसके सेंटर में एक ये मोती अटैच कर दूंगी। ये देखिए, ये हमारा एक फ्लावर और बन गया। अब मैं इसकी पत्तियां बनाकर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने ये फ्लावर बना लिए हैं। अब मैं आपको पत्ता बनाना बताती हूँ। पत्ता बनाने के लिए मुझे 15 चेन लेने पड़ेंगे। ये मैंने 15 चेन ले लिए। 15 चेन लेने के बाद मुझे ये देखिए हर चेन में मुझे स्टिच बनानी है। ये देखिए मैंने 2 का एक सिंगल हाफ सिंगल क्रोशिया बनाया। अब मैं डबल क्रोशिया में 3 का एक बनाऊंगी धीरे धीरे। सबसे पहले छोटा फिर एक एक फंदा ऐसे करके बढ़ाऊंगी इसको। ये देखिए जिस तरह पत्ते का शेप होता है उसी तरह 3 फिर से 3 फिर से एक फंदा लेना है। और एक फंदा लेने के बाद ये देखिए एक ही निकालना है फिर 2 फिर 1 फिर से ये चीज करना है मुझे। ये 3 हो गया फिर से 3 ही लाना है फिर 2 लाना है फिर 1 लाना है। अब डबल क्रोशिया लेना है डबल फंदे मुझे लेना है ताकि पत्ता थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। और फिर से मुझे इस चेन में डालना है अगेन 2 फंदे डालने और हैं। 2 फंदे डाल के फिर मैं चेन में डालूंगी फिर 3 निकालना है 3 2 2 का 1। आप फिर से मुझे डबल क्रोशिया बनाना है 3 2 1 फिर से एक बार 3 2 1। ये थोड़ा चौड़ा पत्ता डालना है। अब हमारे पास कुछ 5-6 चेन बच गए हैं। फिर से मुझे 3 हो गए। अब मुझे ऐसे 3 का एक बनाना है 2 बार 3 का एक 2 बार। अब फिर हाफ सिंगल क्रोशिया बनानी है 2 का एक फिर से 2 का एक और लास्ट में भी 2 का एक। ये देखिए ये हमारा एक साइड का बना है। अब मैं फिर इधर से बनाऊंगी सेम उसी तरीके से 2 का एक ऐसे फिर 2 का एक ऐसे फिर से एक बार 2 का एक। ये देखिए पत्ते का डिजाइन हमारा। आप फंदा लेते हुए 3 का एक फिर से फंदा लेते हुए 3 का एक अब फंदा लेते हुए 3 का 2 2 का एक सेम इसी तरीके जैसे यहाँ मेरा बना है मैं उसे उधर भी बनाऊंगी। फिर मुझे उसे उसी तरीके से 3 2 1 फिर अब डबल फंदा लेते हुए मुझे ये इस तरह से फिर से डबल फंदा इस तरह। ये देखिए हमारा पत्ता बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। और देखिए ये हमारा पत्ता बन गया। अब इस पत्ते के अंदर मैं चेन बना दूंगी ताकि और ओरिजिनल लगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसके सेंटर में चेन बनाते जाऊंगी।
दोस्तों ये फ्लावर देखने के लिए आपको हमारे साथ शुरू से लेके हम अंत तक देखना होगा हमारा ये वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। फ्रेंड इसे आप बच्चे के फ्रॉक में भी ये फ्लावर लगा सकते हैं, शॉल में भी लगा सकती हैं, बच्चे के कैप में लगा सकती हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसे जहाँ यूज करें। ये देखिए ये हमारा पत्ती बनकर तैयार हो गया। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो हमारा आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आते ही आप कमेंट बॉक्स पर मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को देखते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।